तपेश्वर सिंह इंदु महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कौमी एकता सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें एनएसएस की छात्राएं तरह तरह की विधाओं में भाग लेंगी। वहीं आज पहले दिन रंगोली बनाकर छात्राओं ने यह दर्शाया कि कौमी एकता किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें जात पात और धर्म से अपने देश को बचाना है। दिवस के अंतर्गत आज 24/11/17 को हमारे महाविद्यालय में लड़कियों ने ये रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया, और इससे पहले उन लोग ने 19 तारीख को ये पोस्टर भी बनाई थी इस पर कौमी एकता पर। थीम यही है जो हमारे यहाँ की राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थीम यही रख के उन लोग ने रंगोली में भी उसको दर्शाया है। अभी किन किन विषयों पर अभी परिचर्चा होगा आगे आने में? आगे हम लोग ने वाद विवाद प्रतियोगिता भी रखा है, और एक कुछ सेमिनार कुछ आएंगे लोग उसके ऊपर व्याख्यान भी है हमारे यहाँ। क्या परिचय मैम? मेरा डॉक्टर सुनीता राय, इकोनॉमिक्स विभाग, ये प्राचार्य तपेश्वर सिंह इंदु महिला महाविद्यालय। ग्रुप वाला तुम लोग कराई थी ना? क्या बना रहे हो आप? राष्ट्रीय एकता दिवस जिसमें हम साथ साथ हैं, हम ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान हो या सिख, हम सब एक साथ साथ हैं। हमें साथ साथ रहना चाहिए, साथ साथ करना चाहिए, हम एक भारत नागरिक बनना चाहिए, वो जात कोई भी हो, उसी को हम प्रस्तुत करें अपनी रंगोली के द्वारा, जिसमें इसमें सिख और मुसलमान और हिंदू तीनों को मैंने प्रस्तुत किया। क्या नाम है? निहारिका सिंह, तपेश्वर सिंह इंदु महिला कॉलेज से हूँ मैं, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। हम इसके माध्यम से यही सबको संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सब एक होता है, हम एक जैसा बना, हम सब एक जैसे हैं, हम लोग के अंदर कोई भी ब्लड हो या सब एक जैसा है, लेकिन हम लोग ऊपर हम लोग इसमें है कि हम लोग का अलग अलग कास्ट बना दिया गया कि हाँ ये कास्ट है, वो कास्ट है, इसमें ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सेम है, सेम जैसा है, और हम लोग को एक जैसा एकता बना के रखना चाहिए। क्या नाम है? संगीता कुमारी। मैं राष्ट्रीय झंडा बनाई हूँ, इसमें केसरिया और उजला और हरा रंग है, ये सब सच्चाई का प्रतीक होता है, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में रहना चाहिए। क्या नाम है? पूर्णिमा कुमारी।